बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दिस इज़ पार्ट टू ऑफ आवर वीडियो इन विच वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक इश्यूज। सो द सिक्स्थ इकोनॉमिक इशू इज़ दैट इज द लो मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान। As you all know that unfortunately processing and manufacturing industry in Pakistan has not been ramped up to its true potential, which is why Pakistan is facing this problem of low manufacturing. Manufacturing is also inefficient and not so productive. Ek to low manufacturing hai kyunki पाकिस्तान में आज भी हमारे पास पुरानी मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी हैं। दो मशीन्स दैट हैव रस्टेड नाउ, इसलिए पाकिस्तान में लो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर, और अगर है भी तो दैट्स इनएफिशिएंट। इकॉनमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड दिस हैज़ बीन अ पेरिनियल प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। इसके लिए आप 90s के डेकेड को देख लें कि इतने से अरसे में कितनी सारी हमारी गवर्नमेंट्स चेंज हुई, और जनरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही थी हमारे 90s के डेकेड में, और उसके बाद भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई थी इकॉनमी में, लेकिन उसके बाद दोबारा से देयर वॉज अनसर्टेनिटी के आगे आउटकम क्या हो गया, क्या डेमोक्रेसी सस्टेन करेगी या इट विल बी टॉपल्ड अगेन, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं हुई। सो समहाउ वी फेल टू अट्रैक्ट दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकॉनमी पे। And I don't remember the year exactly, but I think it was in 2008 when our economy was just collapsing, was about to collapse, and then we had to run for financial aid and loans. And our eighth problem is that debt servicing. You all know that for a long time Pakistan has been trying to manage the unmanageable increase in our debts, and every year when the government puts forward our budget, we see that a huge amount of it goes to debt servicing. And I think is baar bhi jo hamara budget tha uska 30% invest kiya gaya tha, earmarked kiya gaya tha for debt servicing. So aap sochein ki GDP ka hamara 30% hissa debt services ke सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल होगा, तो फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे कैसे खर्च हो सकता है। सो जब तक हम डेट सर्विसिंग में फंसे रहेंगे, तब तक अपनी कंट्री की डेवलपमेंट पे काम करना थोड़ा मुश्किल है। सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस डेट टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री
एंड सोशल वेलफेयर। ओके नाउ अब हम अपनी एट्थ और नाइन्थ है आई थिंक उस प्रॉब्लम पे मूव ऑन करते हैं एंड दैट्स लो रेवेन्यू जनरेशन एंड टैक्स इवेजन। क्योंकि पाकिस्तान के जो वीक मॉनिटरिंग सिस्टम है और FPR का जो ओवरऑल सिस्टम है टैक्स कलेक्शन का दैट्स नॉट वेरी एफिशिएंट, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये भी बहुत इश्यू फेस करना पड़ता है कि जो हमारा एनुअल रिवेन्यू होता है वो वी ऑलवेज फेल टू अचीव आर रिवेन्यू टारगेट। जो अब इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं रिवेन्यू को जनरेट, ज़्यादा रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दी इनकम्बेंट गवर्नमेंट। और जैसा कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि हमारे रिवेन्यू का ज़्यादा हिस्सा तकरीबन 95-98% हमारे टैक्सेस से आता है, तो आप ये भी जानते हैं कि टैक्स इवेजन कल्चर इज़ प्रेवलेंट इन आवर कंट्री एंड दैट्स व्हाई आवर गवर्नमेंट फेल्स टू रीच द रिवेन्यू टारगेट ईच ईयर। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड टू एनुअली लूज मोर देन ₹300 बिलियन ऑन टैक्स इवेजन इन 5 इकोनॉमिक सेक्टर्स and that all happens because of the inefficient tax collection and weak monitoring systems. This problem is further compounded by the informal economy of our country, and informal economy what's that we discussed earlier. aur ye bhi ek research rahi hai ki bahut sare aise reasons hain jo hamare fiscal deficit ke liye responsible hain, but unme jo biggest reason hai that's revenue shortfall, that is because of the tax evasion, and in general it affects overall development of the country. So clearly tax evasion has far reaching implications, and of course this is one major loophole that needs to be addressed to get out of this economic crisis. एंड वैसे भी आपको अपनी जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, अपने इंटरनल सिस्टम्स हैं, सबसे पहले आपको उन्हीं की ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी, उन्हीं को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उन्हीं की प्रॉब्लम्स को फिक्स करना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ लार्जर लेवल पे कुछ कर सकते हैं अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए। सो यू हैव टू फर्स्ट लुक एट वॉट यू कैन डू एट द ग्रास रूट लेवल और एट नेशनल लेवल। सबसे पहले आपको बेस लाइन पर इम्प्रूवमेंट्स लानी पड़ेंगी, तब जाकर ओवरऑल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक सिस्टम पे हमारे। एंड आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आवर लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज दैट के जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके पास आए और आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करें डिवेलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है, और जब यहाँ पर आकर वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर जॉब क्रिएशन होगी, और जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो ऑब्वियसली आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी डिक्रीज होगा, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी इकॉनमी पे, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। बट ड्यू टू द इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज foreign direct investment is discouraged, and you know that Pakistan is in grey list of FATF, so ye bhi hamari economic activity pe ek impact hai, ek negative impact hai, to jiski wajah se already hamare paas kam foreign direct investment thi, aur ye further sharpen hui hai situation corona ki wajah se due to travel ban and a disruption of the global supply chains and global travel disruptions. But we should appreciate that the current government is trying their best to win the investor confidence, to win their trust back, so they can come here in our country and invest in various projects, so which will generate employment and revenue.
एंड अनदर फैक्टर दैट हैज़ लेड टू द इकोनॉमिक क्राइसिस इज द लैक ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशंस. इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट टेक्नोलॉजी इज़ द की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्रीज, रीजन्स एंड सिटीज. And technological progress allows for the more efficient production of more and better goods and services, which also which obviously leads to the prosperity of the country. But you know that we don't focus on technological advancement. We are seriously lagging behind in this arena. And you know that Pakistan further dropped to 107th place in the global index, Global Innovative Index 2020. And earlier in 2019, it was on 105th position, even lower than the Nepal and Sri Lanka and Central and South Asian groups of countries. So ये एक necessary बात है कि पाकिस्तान को अपनी economy को improve करने के लिए दुनिया के साथ चलना पड़ेगा. और दुनिया अब तेज़ी से move कर रही है technology की तरफ. And we are lagging behind. So to keep up with the world, we have to move on. We have to shift our focus towards the technological development and advancement. Because now that's the most efficient way to achieve economic prosperity. Okay, now I think is video ke liye itne factors kafi hain. If I would like to discuss more, then I'll discuss in my next video. Till then, take care. And if you like my video, then please share and like and subscribe and press the bell icon so you get notified about my next video. Thank you so much.